मध्य प्रदेश में इन दिनों बारिश का जोरदार सिलसिला जारी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी हर रोज बारिश हो रही है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में जबरदस्त बारिश दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों में कुल 1062.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। तेज बारिश की वजह से शहर के सभी डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं और डैम का सुंदर दृश्य देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन इस बारिश ने लोगों के जीवन को भी मुश्किल बना दिया है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवागमन में परेशानियां हो रही हैं। कई इलाकों में तो झरने का निर्माण हो गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिक शिवांग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में राजधानी भोपाल समेत उज्जैन, आगर मालवा, गुना, झाबुआ, रतलाम, रायसेन, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, टीकमगढ़, विदिशा, मुरैना आदि जिलों में भारी से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। प्रदेश के 5 जिलों में अत्यधिक बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इस बार प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। रविवार को कटनी में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। सोमवार को सागर, ग्वालियर, इंदौर, चंबल और उज्जैन संभाग के जिलों में कई स्थानों पर अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली के साथ भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इनमें श्योपुर कला, नीमच, मंदसौर और गांधी सागर बांध शामिल हैं। इसके अलावा रतलाम, धोलावाड़, आगर मालवा, झाबुआ और उज्जैन में मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। धार, मांडू, देवास, शाहजहाँपुर, राजगढ़, गुना, पश्चिम शिवपुरी, भिंड, दतिया, रतनगढ़, निवाड़ी, ओरछा, अलीराजपुर, बड़वानी, बावनजा, इंदौर, खरगोन, महेश्वर, खंडवा, ओंकारेश्वर, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर, सीहोर, रायसेन, सांची, भीमबेटका, भोपाल, बैरागढ़, विदिशा, उदयगिरी, सागर, अशोकनगर, पूर्वी शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना और टीकमगढ़ में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में इस भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में तेज बारिश ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों में भी बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। लोगों से अनुरोध है कि वे सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। तेज बारिश के चलते बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश का यह कहर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है, इसलिए लोग सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें। इस मानसून के मौसम में सुरक्षित रहें और आवश्यक सावधानियां बरतें।